नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर जिले के नरोरा राजघाट पर किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बता दें, कल्याण सिंह के बेटे और भारतीय जनता पार्टी से सांसद राजवीर सिंह ने यह जानकारी दी है। कल्याण सिंह की शव यात्रा उनके पैतृक गाँव अतरौली होते हुए बुलंदशहर नरोरा के राजघाट तक 3 बजे तक पहुंचेगी। वहीं राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह साल 2004 में बुलंदशहर सीट से सांसद रहे थे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। तो बता दें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया था। पिछले लंबे समय से वो अस्पताल में भर्ती थे, बीमार चल रहे थे, अब उनका निधन हो गया है। हालांकि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, बुलंदशहर में होगा, उनका पैतृक गांव में अतरौली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, उनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। और बता दें कि शव यात्रा निकाली जाएगी और 3 बजे अतरौली के राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, केंद्र पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और जोर देकर कहा जा रहा है कि अब देश में जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। ऐसे में विपक्ष के अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी ये मांग उठाने लगी हैं। और अब इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात भी होने जा रही है। वो बता दें, आज सुबह 11 बजे पीएम से मिलने जा रहे हैं और उनके साथ 10 दलों के नेता भी शामिल होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्होंने खुद जानकारी इस बात की दी है कि वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, हमारी मांग है कि अब देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए। और अब ये मुलाकात ज्यादा मायने इसलिए भी रखती है क्योंकि इस बैठक में तेजस्वी यादव से लेकर वीआईपी के मुखिया और मंत्री मुकेश सहनी तक भी शामिल होने वाले हैं। ऐसे में बिहार से बीजेपी नेताओं, नीतीश सरकार में मंत्री जनक राम भी इस मांग को लेकर आवाज उठाने वाले हैं। और ऐसे में इस बार नीतीश कुमार पूरी तैयारी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। रक्षाबंधन के मौके पर थप्पड़ गर्ल प्रियदर्शनी ने कैब ड्राइवर चालक सादत अली से अपना झगड़ा निपटाने के लिए उसे राखी बांधने की पहल की है। जी हां, प्रियदर्शनी ने अपने घर पर सादत के लिए एक राखी और मिठाइयां खरीद रखी थी। ऐसे में प्रियदर्शनी का कहना है कि सादत अगर घर आएगा तो वो उसका स्वागत करेंगे और उसे रक्षा सूत्र बांधकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगी। बता दें, कृष्णानगर के अवध चौराहे पर 30 जुलाई की रात प्रियदर्शनी ने कैब चालक सादत की जमकर धुनाई कर दी थी। ऐसे में प्रियदर्शनी का आरोप था कि चौराहे पर रेड लाइट होने की वजह से जब सड़क वो पार कर रही थी तब कैब चालक ने उसे कुचलने की कोशिश की। इससे नाराज प्रियदर्शनी ने कैब चालक को सरेराए किस थप्पड़ मारे थे और उसका मोबाइल फोन और कार के दोनों तरफ के साइड मिरर भी तोड़ दिए थे। और बीच चौराहे पर इस मारपीट को लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल कर दिया था और देखते ही देखते प्रियदर्शनी सोशल मीडिया की सनसनी बन गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने कैब चालक सादत अली और उसके 2 भाइयों समेत प्रियदर्शनी के खिलाफ भी शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की थी। हालांकि बाद में कैब चालक ने प्रियदर्शनी के खिलाफ लूट, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और तोड़फोड़ करने की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। ऐसे में अब प्रियदर्शनी ने एक अच्छी पहल करते हुए अपने झगड़े को खत्म करने के लिए सादत के लिए राखी भी खरीद कर रखी थी और घर पर मिठाइयां भी रखी थी कि अगर सादत अली खान उनके घर पर पहुंचेंगे तो उन्हें रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधेंगी।
उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा। जी हां, 5 दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं और ऐसे में सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं बता दें, सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर विधायकों के बैठने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साल 2022 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं सरकार ने भी विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर जवाब देने की रणनीति पूरी तरह से बना ली है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी की बतौर मुख्यमंत्री ये पहला विधानसभा सत्र होने वाला है और ऐसे में उत्तराखंड का ये सत्र सत्ता पक्ष को घेरने की कांग्रेस ने बनाई मजबूत रणनीति भी बना ली है और इन मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बंशीधर भगत के ऊपर सदन में सरकार का पक्ष रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, जबकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह से पहले के लिए उनका ये पहला सत्र है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष सदन में नए अंदाज में नजर आएंगे और माना जा रहा है कि वर्तमान सरकार का ये अंतिम सत्र भी होगा। तो बता दें, आज से उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 5 दिन तक ये सत्र चलेगा और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पहला सत्र है और इसलिए विपक्ष जो है कई मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कई मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर सकता है, चाहे वो कोरोना का मामला हो या फिर बढ़ती महंगाई हो, किसानों का आंदोलन हो, बेरोजगारी हो, ये वो तमाम मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को सदन में घेर सकती है। हालांकि सरकार ने भी पूरी रणनीति बना ली है, किस तरह से क्या जवाब दिया जाएगा उसको लेकर पूरा खाका सरकार की तरफ से भी तैयार कर लिया गया है। वहीं बता दें कि यह सत्र 5 दिन का होने वाला है और आज से यह सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिन तक यह सत्र चलेगा और ऐसे में सत्र के चलने की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है कि हंगामेदार यह सत्र पूरा होने वाला है। आज से दिल्ली के सभी बाजार गुलजार होंगे। जी हाँ, मॉल में भी रात तक रौनक दिखेगी और दिल्ली वालों को खरीदारी पूरी तरह से वो कर सकेंगे। दरअसल सोमवार से दिल्ली सरकार ने सभी बाजार को देर रात तक खोलने का आदेश दे दिया है और ऐसे में कोविड की वजह से रात 8 बजे तक की खुलने वाले बाजार अब पुराने समय के अनुसार खुल सकेंगे। यानी कि त्योहारों के मौसम में खरीदारी करने में दिल्ली वालों को अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। गर्मी की उमस में भी अब उन्हें रात 8 बजे की जगह रात 10 बजे तक शॉपिंग करने की आजादी होगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह भी हिदायत दी है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद दिल्ली के व्यापारियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है और ऐसे में करोल बाग मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुरली मनी ने बताया कि देर रात तक बाजार खुलने से व्यापार में भी रौनक लौटेगी और ऐसे में दिल्ली की कामकाजी जनता और रात के वक्त ज्यादा खरीदारी करने के लिए निकलती है, लेकिन सरकार के इस फैसले से बाजार की रौनक भी बढ़ेगी। और जनपद मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव टोनी चावला और जनपद मार्केट के जोनल सेक्रेटरी मनोज कुमार मनोजा कहते हैं कि दिल्ली में छोटे मार्केट हो या बड़े, सभी राज्य में ही गुलजार रहते हैं और ऐसे में संक्रमण दर कम हो रहा है और ऐसे में अब देर रात तक रेस्टोरेंट और मॉल खुलेंगे तो दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से और ज्यादा बेहतर होगी। तो यानी कि अब पूरी तरह से दिल्ली को अनलॉक कर दिया गया है आज से, यानी कि अब रात तक मॉल और मार्केट पूरी तरह से खुलेंगे। पहले ये पाबंदी थी कि 8 बजे तक ही मार्केट और मॉल खुल सकेंगे, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से छूट दे दी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने हिदायत भी दी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। अब दिल्ली में आज से सभी बाजार जो हैं वो फिर से गुलजार होते नजर आएंगे और अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये बड़ा फैसला दिया है और कहा है कि अब दिल्ली में सभी मॉल्स और सभी मार्केट पूरी तरह से खुलेंगे। ऐसे में हालांकि दिल्ली मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष का भी कहना है कि अब मार्केट खुलेंगे, बाजार खुलेंगे तो दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से फिर से सही होती नजर आएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से जब से मार्केट बंद थे तब से स्थिति मार्केट की हो या आम जनता की हो वो खराब हो रही थी। अब ऐसे में मार्केट एक बार फिर से खुलेंगे तो दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला है। रात 8 बजे नहीं, अब
दिल्ली के लोग रात 10 बजे तक शॉपिंग कर सकेंगे। और ऐसे में लोगों ने कहा है कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि पिछले काफ़ी समय से दिल्ली के मार्केट वगैरह बंद थे और ऐसे में लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत ही शॉपिंग करनी पड़ती थी। एक समय सीमा बंधी हुई थी जिसके तहत उन्हें शॉपिंग करने जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने वो समय सीमा जो है पूरी तरह से हटा दी है। हालांकि ये हिदायत भी दी गई है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकारें अब काफी ज्यादा सतर्क हो गई हैं और वो जानती हैं कि टीकाकरण ही एकमात्र कोरोना को रोकने का साधन है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जी हां, अब जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं या जिन्हें वैक्सीन लगवानी है उनके लिए राज्य में अगले हफ्ते से यानी कि आज से सरकारी कॉलेजों और अस्पतालों में 24 घंटे टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा है कि राज्य में 24 घंटे टीके उपलब्ध कराए जाएंगे और इससे लोग कहीं भी और कभी भी टीके की खुराक ले सकेंगे। वहीं बता दें, सुब्रमण्यम ने कहा कि ये सेवा सोमवार से 37 जिलों के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएगी और ये सेवा चेन्नई में सोमवार से यानी कि आज से राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल, तमिलनाडु सरकार के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ओमांदुर स्टेनली मेडिकल कॉलेज और किलपोक मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी प्रदान की जाएगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि उसी दिन सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 24 घंटे और बता दें पैरम्बुलर जैसी जगहों पर भी विस्तार से किया जाएगा जिनमें मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे। वहीं सरकार ने कहा है कि 24 घंटे के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए विज्ञापन भी दिया जाएगा जिसमें जनता को सेवा का उपयोग करने की सलाह भी दी जाएगी। यानी कि अब तमिलनाडु में वैक्सीन को लेकर जो लोग परेशान थे और जिन लोगों को वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है, जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो अब वैक्सीन बहुत आसानी से लगवा सकते हैं क्योंकि अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब 24 घंटे तमिलनाडु के 37 ऐसे जिले होंगे जिनमें 24 घंटे वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। सरकारी स्कूल हों, कॉलेजेस हों, सब जगह पर वैक्सीनेशन जो है अब 24 घंटे लगाया जाएगा। तमिलनाडु में 37 ऐसे जिले हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 5 महीने के मुफ्त सफर का आनंद अब खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, चिपियाना रेल रोड पे लाइन में 6 लेन का रनवे ओवरब्रिज तैयार होने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परिवहन मंत्रालय से टोल वसूली की मंजूरी मांगी है और बताया गया है कि मंत्रालय मौखिक सहमति दे चुका है, बस अब लिखित मंजूरी का इंतजार है। ऐसे में स्वीकृति मिलते ही NHAI टोल दरों का प्रकाशन भी करेगी और उसके बाद सराय काले खान से मेरठ के बीच संभवत 1 सितंबर से टोल लगना शुरू हो जाए। वही बता दें, सराय काले खान से मेरठ के बीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है जिसमें दासना से हापुड़ के बीच का चरण भी शामिल है। ऐसे में बता दें, एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण यानी कि यूपी गेट से दासना में चिपियाना आरओबी के काम को पूरा ना होने की वजह से मंत्रालय से टोल वसूली के प्रस्ताव को रोक दिया था। ऐसे में मंत्रालय का तर्क था कि कम से कम 6 लेन यातायात के लिए उपलब्ध होने पर भी टोल वसूली हो। अब चिपियाना गांव की तरफ से बन रहा 6 लेन आरओबी तैयार हो चुका है, साथ ही NH24 के 2 पुराने आरओबी में से एक को यातायात के लिए खोल रखा है, वहीं जिसकी 2 लेन मिलेंगी और इस तरह से 8 लेन पर वाहन दौड़ सकेंगे। NHAI अधिकारियों का कहना है कि 6 लेन के नए आरओबी पर लोड टेस्ट हो चुका है जिसे अभी यातायात के लिए खोल दिया गया है, लेकिन मंगलवार को फिर से बंद किया जाएगा यानी कि कल बंद होगा क्योंकि अभी भी स्ट्रीट लाइट के लिए खंभों की फिटिंग और अन्य काम बचा हुआ है जिसे एक बार बंद करने पर 4 से 5 दिन में पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद खोल दिया जाएगा, जिसके बाद 1 सितंबर से अब इस एक्सप्रेसवे पर लोगों को टोल देकर ही सफर करना होगा।
केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में कई प्रधानमंत्री रहे जिनके समय में जब भी टीमें खेलने जाती थी तो उन्होंने खिलाड़ियों के साथ महज फोटो ही खिंचवाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर उनका न केवल हौसला बढ़ाया बल्कि दबाव में नहीं खेलने के लिए प्रोत्साहित भी किया। विजेताओं के साथ साथ जो खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए उनके साथ भी उतना ही समय बिताया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीरभूमि और देवभूमि के बाद अब हिमाचल को भी खेल भूमि बनाने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ, खेलों की सुविधाएं पहले से बेहतर होंगी अब हिमाचल में और यहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के अवसर भी मिल सकेंगे। ऐसे में हिमाचल की कला और संस्कृति को नए पंख लगाने का प्रयास किया जाएगा। देश में खेलों को बढ़ावा देने में स्टेक होल्डर की भूमिका भी अहम होगी और ऐसे में राज्य अपना खेल ढांचा सुधारें और केंद्र से जो मदद चाहिए वो भी की जाएगी। ऐसे में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट और खेल संघों की भूमिका भी अहम रहेगी। वहीं भारत सरकार ने खेलो इंडिया अभियान के तहत कई कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। ऐसे में ओलंपियन को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए 75-75 स्कूलों में जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए कहा गया है ताकि विद्यार्थी खेलों के प्रति जागरूक उन्हें कर सके। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में पिछले 3 से 4 दिन से लगातार जमकर बारिश हो रही है। सोमवार सुबह भी दिल्ली NCR में बारिश शुरू हुई और ऐसे में मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली और NCR के आसपास के क्षेत्रों में यानी कि लोनी, देहात, हिंडन, AF स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, ग्रेटर नोएडा में गरज के साथ बारिश होगी। इसके साथ ही बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ौत, नरोरा, पहासू, गभाना, दरोला और बागपत, खेकड़ा, मोदीनगर, पिलखुआ, हापुड़ सहित कई इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सोमवार यानी कि आज हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है और इससे दिन के तापमान में भी गिरावट रहेगी। इस दौरान उत्तरी और दक्षिण पूर्व हरियाणा के कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पश्चिम दिल्ली के इन क्षेत्रों में सोमवार सुबह से जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में दिल्ली के ये क्षेत्र नरेला, बवाना, अलीपुर, रोहिणी और बिडिली, पीतमपुरा, सीमापुर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में आसपास हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश शुरू हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको और खबर का रुख करते हैं। खेल जगत से जो खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। भारत और इंग्लैंड हिंटलैंड में बता दें 19 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं और दोनों ही टीमों ने इस मैदान पर आखिरी टेस्ट मैच साल 2002 में खेला था जिसमें टीम इंडिया के कप्तान सौरभ गांगुली थे तो वहीं इंग्लैंड टीम की कमान नासिर हुसैन के हाथों में थी। इस टेस्ट मैच में गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया का प्रदर्शन गजब का रहा था और भारत को पारी में 46 रनों से शानदार जीत भी मिली थी। इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही गजब की रही थी। इस मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और ऐसे में गांगुली का यह फैसला टीम के हक में रहा और भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और पहली पारी में संजय मांगर ने 68 और सहवाग ने 8 रन पर भी वो आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ ने 148 रन की पारी खेली थी। फिर सचिन तेंदुलकर ने 190 रन बनाए जबकि खुद कप्तान गांगुली ने 128 रन की पारी खेली। इनकी पारियों के दम पर ही भारत ने 8 विकेट पर 628 रन बनाकर पारी की घोषणा की थी और अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की और उन्होंने कप्तान गांगुली के निराश नहीं उन्हें किया और पहली ही पारी में इंग्लैंड की टीम को
273 रन पर समेट दिया। वहीं बता दें पहली पारी में अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने 3-3 जबकि जहीर खान और अजीत अगरकर ने 2-2 विकेट लिए थे। ऐसे में भारत ने इंग्लैंड को फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया था और इस बार भी इंग्लैंड की टीम 309 रन पर ही आउट हो गई थी। हालांकि दूसरी पारी में कप्तान नासिर हुसैन ने संघर्ष किया और टीम के लिए 110 रन बनाए, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ। जबकि दूसरी पारी में भारत की तरफ से कुंबले ने 4, बांगर ने 2 जबकि जहीर खान, अजीत अगरकर और हरभजन सिंह ने 1-1 सफलता अर्जित की और टीम के को पारी के 46 रन से जीत भी मिली थी। उत्तराखंड में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। बता दें शुभारंभ के लिए उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ जंग को अब पहले से भी ज्यादा रफ्तार मिलने जा रही है। जी हां, दरअसल देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी लगाने का शुभारंभ कर दिया है, जिसके तहत ग्राफिक एरा हॉस्पिटल धूलकोट पर स्पुतनिक वी का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह 9 बजे कल ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अस्पताल पहुंचकर स्पुतनिक वी वैक्सीन का शुभारंभ कर दिया था। यानी कि अब उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो और ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन का शुभारंभ कर दिया है। किस तरीके से देखते कितना फायदा मिलने वाला है? वैक्सीन निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर आज आई है और उसका लाभ मिलेगा। उद्धम सिंह नगर साबिर कलियरी में उत्तराखंड दरगाह के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड सरकार के हसनैन मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में 2017 में बंगाली समाज को कांग्रेस हाईकमान द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया था, पर बंगाली समाज के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि बंगाली समाज को 2017 में दिए गए टिकट का मुस्लिम समुदाय ने पूर्ण समर्थन किया था और 80% मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वोटिंग भी की गई थी। हसनैन मलिक ने कहा कि इस बार मुस्लिम भाई को ही सितारगंज से कांग्रेस पार्टी से का टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों ने मिलकर पार्टी में एक सिपाही की हैसियत से काम किया है और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनानी है। ऐसे में हसनैन मलिक ने मीडिया को बताया कि सितारगंज विधानसभा में मुस्लिम समुदाय का वोट सबसे ज्यादा है और अगर पार्टी हाईकमान मुस्लिम समुदाय को सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में टिकट देती है तो मुस्लिम प्रत्याशी सीट जीत लेगा। उन्होंने कहा कि मेरा पार्टी से आग्रह है कि विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में मुस्लिम समुदाय को ही कांग्रेस पार्टी का टिकट देना चाहिए। मैं अपने विधानसभा सितारगंज के वासियों को और देशवासियों और प्रदेश वासियों को, बहन भाइयों को बहुत बहुत रक्षाबंधन की मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ सवाल है सन 2022 के चुनाव का, हमारे बड़े भाई अनवर अहमद साहब ने आपको बताया ही, बंगाली समाज को पहले टिकट दे दिया गया और मुस्लिम समाज ने पूरी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट करी और हम ये चाहते हैं इस बार विधानसभा में परचम लहराना है तो किसी मुस्लिम भाई को टिकट दे दिया जाए, आराम से सीट निकल जाएगी और हम लोग हमेशा पार्टी के सिपाही की हैसियत से हमने काम किया है। हरिद्वार के रावली महदूद में नशीली दवाओं को बेचने के आरोप में एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया था। वहीं अब मेडिकल स्टोर के संचालक के द्वारा ताला तोड़े जाने की जानकारी मिली है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बीती 21 अगस्त को ड्रग विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उक्त मेडिकल स्टोर संचालक को नशीली दवाइयां बेचे जाने का दोषी पाया गया था, जिसके चलते मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया था। वहीं अब स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बीती देर रात मेडिकल संचालन ने विभाग द्वारा लगाए गए ताले को तोड़कर अपना ताला लगा दिया है। कुछ ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि मेडिकल संचालक के द्वारा मेडिकल में रखी नशीली दवाओं को ताला तोड़कर हटा लिया गया है, जिससे कि मेडिकल स्टोर के अंदर कोई भी सबूत ना मिल सके। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर मेडिकल संचालक के खिलाफ बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।